नमस्कार, सुजो समाज में आपका स्वागत है। संतोष मिश्रा, अभी आप देख रहे हैं गौफाला पावर हाउस में जो भीषण आग लगी और जो क्षतिपूर्ति हुई है। मैं पूछना चाहूँगा ऑन ड्यूटी पर अनुज जी थे। अनुज जी, आपका सुजो समाज में स्वागत है। कैसे, क्या हुआ, कैसे ये आग लगी? ये अचानक लग गया, मीटरिंग यूनिट है और इसने ब्लास्ट किया और ब्लास्ट करने के बाद पूरा फट गया और तेल होने के कारण उसमें आग लग गया। तो हम लोग काफ़ी कोशिश किए, उसमें बालू देके काफ़ी बुझाने की कोशिश किए। हम लोग पास जो फायर एक्सटेंशन था उससे भी यूज किए, फिर भी काबू नहीं पाए। तब हम लोग फायर ब्रिगेड को बुलाए जो कोडरमा से, वो आके इस आग पे काबू पाए। अभी हम लोग को नॉर्मल है, अभी हम लोग का पावर फिर समय लगे थोड़ा सा नॉर्मल करने में। कितना समय लग सकता है अनुज जी अभी इसको मतलब पूरा कंप्लीट होने में और पूरा शहरवासियों को बिजली मिलने में? 3 घंटा कम से कम समय लगेगा। अभी कम से कम 3 घंटा समय लगेगा। कितने का क्षतिपूर्ति हुआ होगा? ये तो अंदाज़ा नहीं बता सकते, मोटा मोटी हमको तो आइडिया नहीं है इसका। उसके लिए इंजीनियर साहब, हाँ, उसके लिए आएंगे, मुआयना करेंगे। लेकिन आपका कहना है कि ये 3 घंटा में दुरुस्त कर लिया जाएगा और शहरवासियों को 3 घंटा में बिजली मिलेगी। बिजली मिल जाएगी। और कोई ऐसी किसी व्यक्ति को कोई इंजोर्ड किसी क्षति उसे नहीं हुए? सब जो ऑन ड्यूटी जो थे वो सुरक्षित है, कोई किसी को क्षति नहीं है। धन्यवाद अनु जी, धन्यवाद। सुशो सम्मान में अपने सहयोगी अजय पांडे के साथ। लाइन खाली नहीं होना चाहिए। कौन पेड़ के नीचे बैठा है? किशोर बीट कर दिए। चलिए, हो गया।